हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आप कैसे जो आधार कार्ड है उसको जो बैंक से डीबीटी है लिंक है वो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपका जो बैंक खाता है वो आधार कार्ड से सीट्स नहीं है तो सरकार से कोई भी अगर पैसा आता है, मान लीजिए अगर आपका कोई आवास का पैसा आता है, मान लीजिए अगर आपका पीएम किसान का कोई पैसा आता है, किसी भी तरीके का गवर्नमेंट से अगर कोई भी पैसा आएगा तो वो डीबीटी एनपीसीआई के थ्रू आएगा। अगर आपका आधार कार्ड बैंक से डीबीटी नहीं है, लिंक नहीं है, तो आपको कोई भी किसी भी तरीके का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप लोगों की एक प्रॉब्लम यह है कि आपने आपका जो आधार कार्ड है वो तो आपने लिंक कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि अभी तक आपका जो बैंक खाता है वो आधार कार्ड से सीट्स डीबीटी हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे चेक करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे घर बैठे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा जो बैंक अकाउंट है जो कि डीबीटी से लिंक है या नहीं है, और अगर आपने अभी फिलहाल में कोई अगर बैंक अकाउंट चेंज किया है तो वो वहां पे अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कई लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रोसेस पता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो इतने स्मार्ट नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। ये वीडियो हम लोगों ने बनाई है, तो देखिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और इम्पोर्टेंट है। आप अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको सारा जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने मोबाइल अपना ले लिया है और यहाँ पे हमने जो ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI.gov.in उसको ओपन कर लिया है। इस वेबसाइट का जो यहाँ पे यूआरएल है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से जब भी उस आप यूआरएल पे क्लिक करते हैं तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपका जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है चेक आधार स्टेटस, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, ऊपर ही आपके सामने आ जाएगा लॉगिन, लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है, नीचे कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है तो आप इस तरीके से देखिए रिफ्रेश कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। आधार नंबर डाल दिया है, कैप्चा कोड डाल दिया है, लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक वन टाइम ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, आपके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है या आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया है, किसी भी कंडीशन में आप ओटीपी नहीं दे सकते तो आप इस सर्विस का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे जो ओटीपी है वो डाल देते हैं। ओटीपी हमने डाल दिया है, लॉगिन पे हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो आप अपने आधार कार्ड की जो सर्विसेज हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए कई सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं, आपको क्या करना है, आप ऊपर से थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक सीडिंग स्टेटस। इसी से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा जो बैंक अकाउंट है जो लिंक है, जिससे कि जो डीबीटी का एनपीसीआई का जो पैसा आएगा वो डायरेक्ट आपके खाते में यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। आधार नंबर, बैंक नेम, बैंक सीट स्टेटस, लास्ट अपडेट। यहाँ पे अगर आपका ये एक्टिव है तो मान लीजिए कि आपका जो भी पैसा आएगा वो इस बैंक खाते में आएगा। अगर यहाँ पे इनएक्टिव है तो आपको फिर से अपना जो आधार सीड है, डीबीटी है, एनपीसीआई है, वो लिंक कराना है। ये यहाँ पे एक्टिव होना जरूरी है, अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो आपका कोई भी पैसा किसी भी बैंक खाते में नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए अभी आपने हाल में ही अपना जो बैंक अकाउंट है उसको चेंज किया है तो यहाँ पे अपडेट होने में कभी कभी 10 से 15 दिन लग जाते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका पुराना वाला ही यहाँ पे दिखा रहा है, वो वहाँ पे हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी किसी का भी अपना भी अगर आपको चेक करना है कि आपका आधार कार्ड में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है जिससे कि आप डीबीटी का जो पैसा है वो मंगा सकते हैं, तो यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद इस तरीके से चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आप सब कुछ समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, आपको कैसी भी कोई भी समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।